अगर आपको अपने फील्ड का बाप बनना है, जो आप काम कर रहे हो उसमें चीता बनना है, तो मैं लेकर आया हूँ रिसर्च और सबूत के साथ में कि क्या वाकई में जिस काम से आपको प्यार है वही करना चाहिए सब कुछ छोड़ करके, या फिर दूसरे काम भी करने चाहिए। अपने पैशन को फॉलो कैसे करें, वो काम कैसे करें जिससे आपको बहुत प्यार है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। ना केवल जोशीला मोटिवेशन है ये, ना केवल बातें हैं, बल्कि जिंदगी भर काम आने वाले और दिमाग के ताले खोल देने वाले लॉजिक्स बताऊंगा मैं। इस वीडियो के एंड होते होते आप मुझे दिल से थैंक्स कर रहे होंगे, क्योंकि आपको लग जाएगा कि हाँ यार, इस बंदे ने एक वीडियो में बहुत मेहनत करी है, ये बंदा होमवर्क करके आता है, बहुत ज्यादा सोच विचार के कंटेंट बनाता है, मेहनत करता है, वो मेहनत आपको दिख जाएगी। शुरू। US सेंसस ब्यूरो की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आर्ट स्कूल के ग्रेजुएट्स, यानी कि जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसे फील्ड में कोर्सेज जो भी कर रहे हैं, आर्ट सीखने वाले लोग, कला सीखने वाले लोग, कोर्सेज करने के बाद केवल 10% ही रियल आर्टिस्ट बन पा रहे हैं, उससे कमा पा रहे हैं, या फुल टाइम अपना पैशन फॉलो कर पा रहे हैं, उससे खर्चा चला पा रहे हैं, घर चला पा रहे हैं, जो कोर्स में पैसा लगाया है उसे वसूल कर पा रहे हैं, बाकी के 90% को अपने बिल्स पे करने के लिए, खर्चे चलाने के लिए दूसरी नौकरी करनी पड़ रही है जो पसंद नहीं है, वो अपने पैशन से नहीं कमा पा रहे और उनका आर्ट उनकी हॉबी बनकर रह गई है। 90% लोग अपने पैशन को प्रोफेशन बना ही नहीं पा रहे हैं, साइड में अलग नौकरी उनको करनी पड़ रही है, ये रिसर्च है। हम कई बार बोलते हैं ना कि डू व्हाट यू लव, यानी वो काम करो जिससे आपको प्यार है, या अपने पैशन को फॉलो करो, कुछ भी हो जाए पैशन को फॉलो करो, बाकी सारे काम आप छोड़ दो। ये बात मैंने भी अपने काफी वीडियोस में कही है, इनफैक्ट मैंने भी अपने पैशन को फॉलो किया, लेकिन स्मार्टली चीजों को समझ करके फिर मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। बातों को आपको एज इट इज नहीं लगाना होता है, आपको फिल्टर लगाना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये बात शुगर की तरह काम करती है, वो काम करो जिससे प्यार है, ये लाइन जो है ना, ये शुगर की तरह काम करती है। पर अगर शुगर ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी कुछ मीठा होता है तो ठीक है, कुछ मीठा हो जाए तो ठीक है, पर हर वक्त मीठा ही हो रहा है तो क्या होता है, जो बचपन में दिक्कत होती थी वो हो सकता है, या फिर ज्यादा शुगर की वजह से आपको दिक्कत ही हो सकती है। सो गाइस, मैं बताऊंगा डू व्हाट यू लव, यानी कि वो काम करो जिससे आपको प्यार है, बाकी के सारे काम आप छोड़ दो, वही काम करो जिससे आपको प्यार है। ये बात आपको कितनी संभल कर फॉलो करनी होती है, कैसे आपको संभल कर मोटिवेशन को यूज करना होता है, कैसे ये शुगर अच्छी लगती है लेकिन बाद में ज्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है। शुरू में जो रिसर्च मैंने बताई थी, 90% लोग अपने पैशन से कमा नहीं पा रहे हैं। कोई सिंगिंग या डांसिंग सीख रहा है तो साथ में उसको कोई और जॉब करनी पड़ रही है घर चलाने के लिए, तो क्या ये गलत है? क्योंकि डू व्हाट यू लव तो कहता है कि सिर्फ वही करो जो आपको अच्छा लगता है, बाकी के सारा आप साइड में रख दो। लेकिन अगर आप फैमिली चला रहे हो तो आपको पैसे भी चाहिए, अगर आप बड़े हो रहे हो, या फिर आपको अपनी फीस पे करने के लिए पैसे चाहिए, जो आप कोर्स कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो। देखो, डू व्हाट यू लव तक हमने सीखा है, लेकिन एक और लाइन आपने सुनी हुई होगी ऑब्वियसली, जो कि है लव व्हाट यू डू। पूरा क्या है, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। अगर आप साइड में कोई काम कर रहे हो जिससे आप कमाने के बाद में उस पैसे को अपने पैशन में लगा रहे हो, जिस काम में आपको मजा आता है उसमें आप पैसा लगा रहे हो, तो इसको स्मार्टली पैशन को फॉलो करना कहते हैं। मतलब अभी के लिए पैशन से आपकी इनकम नहीं हो रही है, जिस काम से प्यार है उसे इनकम नहीं हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए वो काम कर रहे हो जिससे कमाई हो रही है, तो ये गलत नहीं है, इसको स्मार्टली पैशन को फॉलो करना कहते हैं, इसको बेवकूफी नहीं कहते हैं। बेवकूफी तब होती है जब जोशीला एक्शन लिया जाता है, आपको अंधों की तरह जोश में आकर के सब कुछ छोड़ करके पैशन को फॉलो नहीं करना है। जब तक आपका आर्ट मास्टरपीस लेवल का नहीं हो जाता है, यानी जब तक आपकी आर्ट एकदम जबरदस्त तरीके से पॉलिश नहीं हो जाती, तब तक आपको बहुत बड़े बड़े एक्शन नहीं लेने हैं। आपको अपनी जिंदगी में चेस की तरह खेलना है, जोश में कुछ भी आप चला रहे हो, धमाधम मैं तो मार दूंगा, सामने वालों को हरा दूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको स्मार्टली फैसले लेने हैं, आपको चाणक्य वाला दिमाग लगाना है। जितने भी लोगों को आप देखते होंगे जिन्होंने कॉलेज छोड़ दी बीच में, कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स रहे हैं, उसके बाद में वो बहुत बड़े बन गए, उनकी कहानी पढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं, बट एक्चुअल में उस इंसान ने अपनी जॉब तब छोड़ी या फिर पढ़ाई तब छोड़ी होगी, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि उस बंदे ने सब कुछ छोड़ के अपने पैशन को तब फॉलो किया जब वहां से या तो पैसा आना स्टार्ट हो गया या उसकी आर्ट बहुत ज्यादा पॉलिश हो गई कि अब तो ये सीधा मार्केट में उतरता ही कमाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी है। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ऐसे कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दी, देन उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। पर ये भी देखना कि इन्होंने ड्रॉप आउट कब की थी, इन सब ने तब की थी जब इनका लेवल काफी बन गया था, धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। जब तक आपके पास में इक्का ना हो, इक्का का पत्ता ना हो, तब तक आपको जोश में बाजी नहीं खेलनी है। जोश में खेला गया ताश के खेल में आप हार जाओगे, आपको इमोशनली नहीं आपको लॉजिकली खेलना है। अगर आप लॉजिकली खेलोगे तो आप जीवन के हर तरह के हालात को फाड़ सकते हो, आप हर चीज से निकल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब इसका सोल्यूशन एक लाइन में बोलो तो क्या है, मंत्र क्या है, लव व्हाट यू हैव टू डू बट आल्सो हैव व्हाट यू हैव टू डू। कुछ है जो करना पड़ेगा आपको, पसंद नहीं है लेकिन एक बार ही करना पड़ेगा, वेरी डीप है। पॉइंट नंबर वन कहता है कि जोश में आपको फैसले नहीं लेने, आपको स्मार्टली पैशन को फॉलो करना है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा पॉइंट है बैलेंस इज पॉसिबल।
बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई और जॉब कर ली, कोई और काम कर लिया तो पैशन से कनेक्शन टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत लोग और सक्सेसफुल लोग एग्जांपल्स हैं जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ, जिन्होंने दो काम करे, बैलेंस बना के करा, उन्होंने पहले वही काम करा देन वो सक्सेसफुल हो गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम किया था, अक्षय कुमार ने एज ए शेफ एंड वेटर का काम किया था बैंकॉक में, एक्टर देवानंद ने एज ए सेंसर ऑफिस में क्लर्क का काम किया था, ग्रेट एक्टर बमन ईरानी ने मुंबई की ताज होटल में एज ए वेटर काम किया था, आयुष्मान खुराना ने एक्टर बनने से पहले रेडियो चौकी और वीडियो चौकी का काम किया था। तो ये सारे एग्जांपल्स ये बताते हैं कि यार बैलेंस जो है वो पॉसिबल हो सकता है अगर आप बनाते हो तो अच्छे से स्मार्टली। पॉइंट नंबर 3, एरोगेंस ऑफ पैशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग इस घमंड में जीते हैं कि मैं अपने काम में बेस्ट हूं तो शायद मुझे वही काम करना चाहिए, उसी नीश से रिलेटेड जो चीज है वही करनी चाहिए, बाकी पे फोकस मुझे नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है करने की। यहाँ इस सोच के कारण भी उस बंदे की सक्सेस सफर हो सकती है, दिक्कत में आ सकता है, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे जब वो होता है, जब वो बड़ा नहीं बना है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तब उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये तो मेरा काम है, ये वाला मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं करूंगा उसको, ये मेरा ईगो है, तो ये ईगो नीचे गिरा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर को हो सकता है कि शुरुआत में सॉफ्टवेयर सीखना पड़े, जिसने सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ होता है, एक एंटरप्रेन्योर को अकाउंटेंसी सीखनी पड़ सकती है, फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ सकता है उसको, एक मोटिवेशनल स्पीकर को शुरुआत में हो सकता है कि वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ सकती है, यूट्यूब की दुनिया को सीखनी पड़ सकती है, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मालिक को शुरुआत में हो सकता है कि कुकिंग सीखनी पड़े, उसको खुद कुकिंग करनी पड़े, लेकिन जब चल जाए तो बाद में कुक हायर कर सकता है। ऐसा मैंने रियल लाइफ एग्जांपल देखा है अपनी सिटी में। एक वेबसाइट डेवलपर को हो सकता है कि वेबसाइट बनाने के बाद में उसको डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ ये सब सीखना पड़े ताकि वो सेल्स ला सके, उसके बाद में बंदे बाद में हायर कर सके। मैंने काफी ऐसे फिल्म के डायरेक्टर्स देखे हैं जिनको वीडियो एडिटिंग नहीं पसंद लेकिन उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि एडिटर को हायर करने का बजट नहीं था तो पहले करना पड़ा, सीखना पड़ा सब कुछ, देन उसके बाद में एडिटर्स हायर हो गए जब काम बड़ा हो गया। मुझे भी वीडियो एडिटिंग इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इतनी पसंद नहीं है तो मुझे भी सीखनी पड़ी, खुद करनी पड़ी, उसके बाद में मैंने टीम बनाई। अब इसमें एक गोल्डन चीज छुपी हुई है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब आपका बजट नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी बजट नहीं था तो खुद से वीडियो एडिटिंग करी है, वेबसाइट बनाई है, फोटोशॉप पे काम किया है, वेबसाइट के लिए काम किया है, कोडिंग सीखी है, अपने फिल्म की डायरेक्शन भी करी है शुरुआत में, तरह तरह के सॉफ्टवेयर खुद से सीखे हैं जो पता नहीं कितने महीने लगते थे सीखने में ढंग से, लेकिन उसमें काम करा है। तो उसके बाद में होता यह है कि जब आप उसके लिए बंदा हायर करते हो तब आप जो हायरिंग करते हो वो आप बहुत अच्छी करते हो, तब आपको काम की समझ होती है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, आपने वो काम करा है क्योंकि। तो जब आप शुरुआत में सारे काम करते हो तो इसकी एडवांटेज ये है कि बाद में आप हायर करते हो तो बहुत अच्छी हायरिंग करते हो, सारे अच्छे लोग आप अपने टीम में लाते हो, वो एंटरप्रेन्योर काफी भारी पड़ेगा जिसके एम्प्लॉयज के सारे काम वो खुद भी कर सकता है, वो खुद भी करना जानता है, लेकिन वो खुद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है, वो केवल वक्त बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, ना कि इसलिए कि उसको करना आता नहीं है। तो नंबर 3 कहता है कि आपको वो काम भी करना पड़ सकता है जो आपको पसंद नहीं है अगर आपको पैशन को फॉलो करना है तरीके से। नंबर 4, डोंट लिव इन अ बबल। ये पॉइंट क्या कहता है कि ऐसी कोई जॉब नहीं है जहां आपको 100% डू व्हाट यू लव वाली फील आएगी, आपको एक एक चीज में लगेगा कि यार मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। हर जॉब में कम से कम एक एलिमेंट, चाहे वो छोटा हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट तो ऐसा होता ही है जो आपको पसंद नहीं है एंड यू हेट इट, बट आपको करना होगा क्योंकि उसके करने की ही वजह से आपको जो काम पसंद है उसमें हेल्प हो रही है। नहीं पसंद तब भी आपको करना होगा बिकॉज द रेस्ट ऑफ इट यू लव डूइंग, बाकी की चीज आपकी जो है वो आपको पसंद है। एक सर्वे में ऐसा भी देखा गया जिसे जानकर मैं खुद वाकई में बहुत हैरान हुआ, ये पढ़ करके, ये जान करके कि 10 से 15 सालों तक अपने पैशन को पैशनेटली फॉलो करने के बाद भी लोग उससे बोर हो गए और उन्होंने कोई और पाथ चूज कर लिया, रास्ता ही बदल दिया उन्होंने। सो डोंट कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट यू लव, जो आपको पसंद है उस पे पूरा डिपेंड मत हो जाओ। Of course, you should follow your passion, करो passion को follow, but also है plan B, आपका plan B भी होना चाहिए। एक नई थ्योरी के मुताबिक ये 100% सच नहीं है, ये बस एक थ्योरी है कि happiness और passion follow करने में कोई direct connection नहीं है, यानी कि आप passion follow करने के बाद भी खुश रहोगे इसकी कोई guarantee नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वो इंसान भी खुश रह सकता है जो वो काम कर रहा है जिसमें उसको खुशी नहीं है, वो केवल बस इसलिए कर रहा है कि ठीक है मुझे इससे पैसा मिलता है, पर वो इंसान भी खुश ना रहे इसके चांसेस भी है जो वो काम कर रहे हैं जो उसको अच्छा लगता है। इस थ्योरी में कहा गया है कि अब वो टाइम आने वाला है कि लोगों को करियर चूज करने के लिए पैशन के क्राइटेरिया से ज्यादा इन जनरल सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचो सोसाइटी, हमारा देश, हमारी स्टेट या जहां आप रहते हो उसके आसपास के लोग कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम कौन सी है जो आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप अपना करियर भी बना सकते हो, जिसमें ना केवल फाइनेंशियल ग्रोथ का स्कोप है बल्कि लोगों की हेल्प करके आपको एक सुकून भी हासिल होगा, आपको अच्छा भी लगेगा।
आपकी जिंदगी में शांति होगी। अवार्ड विनिंग ग्रेट वर्क स्टडी से पता लगा है कि 88% उन प्रोजेक्ट से रिवॉर्ड जीता जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे एम्प्लॉयज के पूछे जाने से कि हम इस सोसाइटी में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे दूसरों की लाइफ में चेंजेस आए, हम दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज के पूछे जाने के बाद में जो काम किया गया वो प्रोजेक्ट ने जाकर रिवॉर्ड जीता। मतलब जब आप ये रियलाइज करते हो आपको ये महसूस होता है कि आपके काम की वजह से समाज के लोगों की लाइफ में क्या फर्क आ रहा है, आपके कलीग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हो सकता है आपको पर्सनली वो काम पसंद ना हो पर फिर भी आपको उसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपको उस जॉब को करने के लिए अट्रैक्ट करेगा, आपको तब भी मजा आएगा। तो ये रिसर्च कहती है कि आपको अपने काम से कितनी मोहब्बत है उस काम की वजह से लोगों की लाइफ में क्या हेल्प हो रही है। समझ रहे हो जो बातें आपको लगती थी उससे कितनी अलग बातें रिसर्च से निकल कर आई है। सो गाइस कुल मित्रा जैसा कंटेंट आपको पूरे इंटरनेट पर बहुत कम मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलता है। मतलब अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए जो कि मैं कुछ ही दिनों में बना करके अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे इस वीडियो पर, अगर आप इस वीडियो पर लाइक करते हो और आप कमेंट में अपना फीडबैक देते हो, और तीसरा आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करते हो। लाइक कमेंट शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हो। गाइस ऐसा कंटेंट आप बहुत कम जगह देखोगे, मैं जो वीडियोस आपके लिए लेकर के आता हूँ उसमें बड़ी मेहनत लगती है। आप थैंक्स कहने के लिए मेरे काम को आगे तक पहुंचा सकते हो। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करो। ये वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए कि इस दुनिया के आखिरी इंसान तक ये बातें पहुंच जानी चाहिए। इस वीडियो के पार्ट टू की एक्साइटमेंट आपको दिखानी ही है, तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, मुझे लगेगा कि वाकई में एक्साइटमेंट आपकी है तो मैं पार्ट टू में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और पब्लिश करूंगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करके आप बाकी की वीडियोस देख सकते हो। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हुई है चैनल विजिट करके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।